जताएंगे विरोध। सिराही जिले में बीजेपी की राजस्थान गौरव यात्रा को भारतीय किसान संघ का विरोध झेलना पड़ सकता है। दरअसल जिले भर के किसान नर्मदा और माही नदी का पानी सिंचाई के लिए लाने समेत अन्य 16 सूत्री मांगों पर काम नहीं होने से किसान नाराज हैं। भारतीय किसान संघ का कहना है कि सिराही जिले में प्रवेश कर रही गौरव यात्रा का किसान विरोध करेंगे। जिले में 30 अगस्त को गौरव यात्रा पहुंच रही है। किसानों के मुताबिक इस दिन वो शोक सभा आयोजित कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक किसानों के विरोध के चलते सीएम राजे ने रेवदा क्षेत्र के दौरे में संशोधन किया है, जिसकी पूरे जिले में चर्चा चल रही है। किसानों ने सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी और माही डैम का पानी के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ, फसल खराबे का मुआवजा, कृषि मंडी का निर्माण और डेयरी स्थापना समेत कई मुद्दों पर काम नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि मौजूदा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ही किसानों को कृषि के लिए 8 घंटे 3 फेज और 24 घंटे सिंगल फेज बिजली देने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। किसान विरोध प्रदर्शन के जरिए मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे। किसानों ने आवारा पशुओं से फसल खराबे पर भी सरकार से मुआवजा और बची पर सेल टैक्स और रॉयल्टी माफ करने की भी मांग उठाई है। भारतीय किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हीरालाल चौधरी ने बताया कि भारतीय किसान संघ के बैनर तले 30 अगस्त को कलेक्ट्रेट में जिले भर के किसान एकत्रित होंगे और शोक सभा करेंगे। इस प्रदर्शन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए रेवदा में किसानों की बैठक भी हुई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी भाजपा की गौरव यात्रा का जगह जगह हो रहे विरोध पर चुटकी लेते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार किस उपलब्धि पर अपना गौरव बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता हर्षुल अग्रवाल ने कहा कि अभी तक तो प्रदेश की जनता ही मौजूद सरकार के 4.5 साल से अधिक के कार्यकाल से नाखुश एवं आक्रोशित थी। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी का अग्रिम संगठन माने जाने वाला भारतीय किसान संघ भी गौरव यात्रा एवं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की यात्रा का खुलेआम विरोध कर रहा है। अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश की जनता जिस प्रकार से मौजूदा सरकार के प्रति आक्रोशित है, उसको देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनेगी। साथ ही रेवदा विधानसभा समेत सिराही जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। बड़ी बात है कि सीएम राजे की यात्रा का विरोध करने वाला संगठन पार्टी के सहयोगी संगठनों में माना जाता रहा है। ऐसे में अपनों की नाराजगी को कांग्रेस वसुंधरा सरकार की विफलता बता रही है। वसुंधरा जी की गौरव यात्रा सिरोही जिले में सिवन से प्रवेश करते हुए पिंडवाड़ा आबू रोड होते हुए रेवदर होते हुए इनका कार्यक्रम था, लेकिन किसानों का आक्रोश को देखते हुए वसुंधरा जी का कार्यक्रम रेवदर में बदला गया, क्योंकि उनको पता था कि रेवदर में किसानों के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उन्होंने रेवदर का कार्यक्रम बदला और रेवदर के ऊपर हेलीकॉप्टर से मतलब वसुंधरा जी जाएगी। अब हम सिरोही में जिला हेडक्वार्टर पर जिस दिन गौरव यात्रा की वसुंधरा जी की बैठक है, उसी दिन एक तरफ जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने किसान शोक सभा करके वसुंधरा जी को अपने वादे याद दिलाएंगे और कहेंगे कि अब किसान कोई बहकावे में आने वाला नहीं है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि जो किसान हित के काम करेगा वही देश पर राज करेगा, लेकिन आज दिन तक इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन के द्वारा किसानों से कोई बातचीत नहीं की जा रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान गौरव यात्रा जो सिरोही में आने वाली है, जिसका भारतीय किसान संघ ने विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, और भारतीय किसान संघ जो भाजपा का ही एक अग्रिम संगठन माना जाता है, और उनके द्वारा ऐसा निर्णय करने से ये चीज साफ प्रतीत हो रही है कि जब उनका संगठन ही भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी के 5 साल के कार्यकाल से नाखुश है, तो प्रदेश की आम जनता एवं क्षेत्र की जनता उनका विरोध कर रही है, कोई दोहराए नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। द्वारका